दोस्तों ये ग्राइंडर का आर्मेचर है और ये 750 वाट का है और 250 वोल्ट से चलता है, 250 वोल्ट से चलता है, 750 वाट का है और 11,000 प्रति मिनट के राउंड लेते हैं गाइस। 11,000 मिनट का आरपीएम है इसका तो 11,000 गाइस। ये वाला जो 11,000 घूमता है और लेकिन ये वाला 33,000 बार घूमता है गाइस। इसको हम एक बार घुमाएंगे तब जाकर ये 3 बार घूम जाता है और इसको हम 3 बार घुमाएंगे तब जाकर ये 1 बार घूमता है। तो ऐसा क्यों है वो आप हमारी इस वीडियो में देखिए और बने रहिए इस वीडियो में, इस किस वजह से इतना ये ज़्यादा घूमता है और ये कम घूमता है। और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो गाइस जी इसके अंदर जो कुछ प्रॉब्लम है, इसके अंदर ये फिल्ट है, इसके अंदर की ये वाली जो फिल्ट ये जल चुकी है, ये ख़राब हो गई थी, इसकी वजह से इसमें प्रॉब्लम आ गई थी क्योंकि ज़्यादा दबाव के कारण ज़्यादा लोड पर चला लिया है, इस वजह से इसकी प्रॉब्लम आई थी। ये फिल्ट जल चुकी है, गर्म होने के बाद में भी इसको रेस्ट नहीं दिया और चलाते रहे इसलिए ये जल चुका है। तो गाइस ये एक ग्राइंडर है जिसका आरपीएम होता है 1 मिनट के अंदर अंदर 11,000 बार घूम जाता है, 1 मिनट में 11,000 आरपीएम निकालता है। ये वाली जो शाफ्ट है 1 मिनट के अंदर 11,000 बार निकालता है, ये घूम जाता है। तो गाइस ये इतनी हाई स्पीड वाला है, इतनी हाई स्पीड वाला है कि अगर ये वाला 11,000 बार घूम रहे हैं तो शायद आप सोच सकते हो ये कितनी बार घूम सकते हैं गाइस। ये तो मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ गाइस। तो गाइज मैं आपको बता देता हूँ, अगर ये 11,000 बार ये वाला 11,000 बार घूम रहा है तो इसका जो मोटर है ये वाला आर्मेचर ये कम से कम 33,000 बार अगर घूमता है तब जाकर ये 11,000 बार घूमता है, जबकि कंपनी देती है 11,000 आरपीएम देती है तो इसकी देती है कंपनी। ये 1 मिनट में अगर 11,000 बार घूम रहा है तो आप सोच सकते हो गाइज ये कितना फास्ट चलता है गाइज। इतनी हाई स्पीड मोटर होती है इसके अंदर, इतनी हाई स्पीड की भी 1 मिनट के अंदर 33,000 बार ये राउंड ले लेते हैं गाइस। और आपको यकीन नहीं हो तो मैं बता देता हूँ गाइस, अब आपको मैं ये दिखाता हूँ गाइस। ये वाला अगर 11,000 बार घूम सकता है तो ये 33,000 बार घूमेगा। तो गाइस इसको मैं इस शाफ्ट को एक बार घुमाऊँगा, यहाँ से लेकर वापस घूम कर यहाँ आएगी तब तक ये 3 बार घूम जाएगा, आप देखना ध्यान से। ये 1, 2, 3। तो गाइज मैंने इसको 1 बार घुमाया और ये 3 बार घुमा, और अगर इसको मैं 3 बार घुमाऊंगा ना तो ये 1 बार घूमेगा। तो गाइज ये मोटर इसकी हाई स्पीड है, ये 3 बार घूमती है तब जाकर ये 1 बार घूमता है। तो आप 1 मिनट में ये वाला 33,000 राउंड लगाता है और ये वाला 11,000। तो गाइज आप सोच रहे होंगे कि ये ऐसा क्यों, तो गाइज अगर ये 33,000 बार घूम रहा है तो इसको भी 33,000 बार घूमना चाहिए तो काम ज़्यादा करेगा, जल्दी फास्ट काटेगा, तो ऐसा क्यों। तो गाइज ऐसा इसलिए है, अगर ये अगर 33,000 बार घूम रहा है और यही 33,000 बार बराबर में घूमेगा तो गाइज ये 1% भी काम नहीं करेगा और ये लोड नहीं लेगा, बिल्कुल भी लोड नहीं लेगा। जैसे ही आप कटिंग के लिए काम में लोगे ऑटोमेटिक दब के बंद हो जाएगा। वो क्यों होगा, क्योंकि जितना राउंड ये ले रहा है उतना ही ये ले रहा है, तो गाइज स्पीड ताकत नहीं रहेगी गाइस। अगर ये अगर 33,000 बार घूम रहे हैं तो इसकी ताकत फुल स्पीड हो गई और इसकी कम हो गई, लेकिन अपने लिए 11,000 वो भी बहुत है ये वाली। तो इस वजह से ये 33,000 बार की बार घूमता है और ये 11,000 बार घूमता है, तो इस वजह से ये ग्राइंडर इसकी हाई स्पीड से इसके इतने बड़े लोहे को इसको इस काट सकती हैं मिनटों में, इतनी इसकी हाई स्पीड होती है गाइस। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको इसके बारे में समझ में आया होगा। और किसी भाई ने मुझे कमेंट किया था कि ग्राइंडर के अंदर आर्मेचर कैसे डालें, तो मैं उसके बारे में बताऊंगा और अलग से ये वीडियो